अमल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के वालिदैन को इमदादी रकम जल्द देने और ट्रायल कोर्ट को 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। पुलिस फायरिंग से कराची में जान बहक होने वाली बच्ची अमल उमर अस खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कि अमल पर फायरिंग करने वाले अहलकारों के मुकदमे की क्या पोजीशन है, जिस पर सिंध हुकूमत के वकील ने बताया कि बच्ची को जिन अहलकारों की गोली लगी उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पैसा और इमदादी रकम किसी की जान का मुतबादिल नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर बताया गया कि इमदाद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमदाद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट बाजाब्ता तौर पर जमा क्यों नहीं कराई। अदालत ने सिंध हुकूमत को अपनी रिपोर्ट अमल के वालिदैन को देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अमल के वालिदैन चाहें तो रिपोर्ट पर एतराजात जमा करवा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद ने ट्रायल कोर्ट को 3 माह में फैसला करने का हुक्म दिया और समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी।